In previous lecture, we have started the basics of AC, and in previous lecture, we have studied sinusoids and phasors. Okay, so पिछली क्लास के अंदर हमने फेजर चालू किया था. मैंने आपको बता दिया था फेजर बेसिकली क्या होता है. दिस फॉर्म इज कॉल्ड फेजर. ठीक है, जिसके अंदर आपका तीन फॉर्म होते हैं आपके फेजर के, बेसिकली रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जो हम मैक्सिमम काम लेने वाले हैं ये दो हैं. ओके, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई, जेड इज इक्वल टू आर फाइव, जिसमें आर हमारा मैग्नीट्यूड है. और आर का मैग्नीट्यूड बेसिकली कहाँ से आता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और एंगल कहाँ से आता है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स. ये मैं बता चुका हूँ आपको पिछली क्लास के अंदर. और ये बेसिकली जे यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस को बताता है, डिनोट करता है. दिस वाई एक्सिस माई इमेजिनरी एक्सिस और एक्स हमारा रियल एक्सिस. ठीक है, तो बेसिकली फेजर इज नथिंग बट ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड एज वेल एज फेज एंगल. ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. जेड को हम एक्स प्लस जे वाई रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, और इसी को अगर वापस से मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म को, तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी आर कॉस ऑफ फाइव, और वाई की वैल्यू क्या आएगी, आर ऑफ साइन फाइव. ठीक है, इमेजिनरी साइन फाइव आएगा. ये हमने देखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन ज्यादा ईजी होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन डिविजन रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये सारे पोलर फॉर्म में होते हैं ईजी. ठीक है, ये भी हमने यूलर्स फॉर्मूला भी देख लिया था. ओके, ये सब चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो आप सीधा एग्जाम्पल पे आना. एग्जाम्पल में कोई दिक्कत हो, फेजर डायग्राम मैंने आपको बता दिया था फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं. ठीक है, और ये टाइम डोमेन है, टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद होगा आपको. वी एम तो मैग्नेटिक एंगल, एंगल जो ओमेगा टी के बाद में वाला है. ठीक है, और अगर साइन वाला होगा तो फाइव माइनस नाइनटी आ जाएगा. ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, एक चीज और मैंने बताई थी, डी वी बाई डी टी, जब भी डिफरेंशिएशन आएगा टाइम डोमेन में है, इसको अगर हम फ्रिक्वेंसी डोमेन या फेजर डोमेन में करते हैं, फेजर डोमेन को ही हम फ्रिक्वेंसी डोमेन कहते हैं, तो डी तो एज इट इज आ जाएगा ही, और डी बाई डी टी को हम जे ओमेगा लिखते हैं, याद रखना. ठीक है, इन टू में सिमिलर इंटीग्रेशन में डिवाइडेड बाई जे ओमेगा, ये हम देख चुके हैं. फिर हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, ये एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं. दिस ऑल्सो हैज बीन डिस्कस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास के अंदर, है ना. और ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया था, लास्ट एग्जाम्पल बचा था फिर. ओके, अब इसमें क्या पूछा है, यूजिंग द फेजर अप्रोच डिटरमाइन द करंट आई टी इन द सर्किट. ठीक है, करंट कौन सा, आई वाला. तो सबसे पहले इसको मेरे को किसमें चेंज करना पड़ेगा, फेजर के फॉर्म में. तो देखो फेजर में आप चेंज करते हो, फोर स्मॉल आई तो कैपिटल आई हो जाएगा, है ना, ढंग से देखो कोई है नहीं कि कैपिटल आई हो जाएगा. इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाय जे ओमेगा आ जाता है. देखो ये फोर आई, आई कैपिटल में आ चुका, आई स्मॉल आई का मतलब ये टाइम डोमेन है, कैपिटल आई का मतलब फेजर डोमेन है. ठीक है, एट एज इट इज आ गया. इंटीग्रेशन में हमने अभी देखा था डिवाइडेड बाय जे ओमेगा आएगा और अंदर स्मॉल आई कैपिटल आई के अंदर. सिमिलरली डिफरेंशिएशन क्या था, इंटू जे ओमेगा, तो माइनस थ्री इंटू जे ओमेगा और आई था तो कैपिटल आई. अब इसको हमको फेजर में करना है, तो फेजर का मतलब मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 50. ओके, एंगल कितना है, ओमेगा देखो 2 दे रखा है हमें, ओमेगा से भी मतलब नहीं, एक बार एंगल कितना है 75, तो 50 एंगल 75, बस ये आ गया. इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 एंगल 75 डिवाइडेड बाय 4 माइनस जे 10. इसको ये रेक्टेंगुलर आ गया, रेक्टेंगुलर को फिर से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड कहाँ से है, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. और ये एंगल कहाँ से आया, 10 इनवर्स माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4. ओके, ये आ गया माइनस 50. तो ये आराम से डिवीजन में आराम से पोलर फॉर्म डिवाइड हो जाते हैं, 50 को 10 से डिवाइड कर दो, 10.77 से ये आ गया, ये माइनस 68 ऊपर चला गया तो प्लस 68 हो गया. तो ये मेरा आ गया, इसमें आ गया फेजर डोमेन में, बट मेरे को फाइंड क्या करना है, आई टी. ठीक है, आई टी. तो अब इस फेजर डोमेन को मुझे किसमें चेंज, हाँ एक बार एंगल वापस बता देना सर, एंगल फोन में है ना, एंगल. हाँ, एंगल देखो मैं एक मिनट दो ठीक है ना, तुमको एक सेकंड में वापस अपनी थ्योरी के अंदर मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था एंगल कहाँ क्या क्या निकालते हैं, मैं बताता हूँ.
ये रहा, देखो जब भी देखो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव दे रखा है आपके पास, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जे फाइव, ठीक है, जेड इज इक्वल टू एक्स, ये रहा जेड इज इक्वल टू एक्स जे प्लस फाइव, मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, आर फाइव में, तो आर तो क्या हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो। फाइव कैसे निकलेगा, टेन इनवर्स, जो इमेजिनरी वाला है ना फाइव निकलेगा टेन इनवर्स, इमेजिनरी वाला ऊपर आएगा और रियल वाला नीचे आएगा, वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ओके, अगर ये नेगेटिव है तो माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा, ओके, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है आप, या फिर माइनस बाहर रख लो, ठीक है, माइनस बाहर रख लो, टेन इनवर्स वाई बाई सिक्स, इसलिए माइनस आ गया वहां पे, ठीक है, ओके, ठीक है, वाई बाई एक्स करना है आपको, ठीक है, इसको अगर आप जब करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेन इनवर्स इसको करोगे टेन बाई फोर, जब भी अगर टेन इनवर्स, एक मिनट मैं आपको देता हूँ, टेन इनवर्स टेन बाई फोर, टेन बाई फोर का डिवाइडेड बाई टेन डिवाइडेड बाई फोर, इट विल बी इक्वल टू 68.2 डिग्री, 68.2 डिग्री आ गया, और ये माइनस बाहर क्यों आया, क्योंकि ये माइनस साइन, ओके, ये ध्यान रखने वाले, प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये मेरा क्या आ गया, पोलर फॉर्म आ गया या फिर फेजर फॉर्म आ गया, फेजर फॉर्म को मुझे किसमें करना है, टाइम डोमेन में, तो आप जानते हो मैग्नीट्यूड एज इट इज आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ये प्लस एंगल है तो प्लस 43, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी यहाँ पे क्या था हमारे पास, टू, ओमेगा की वैल्यू क्या थी, टू, तो कॉस टू टी प्लस 143, बस इसमें कन्वर्ट हो गया, सिंपल, ठीक है, तो ये हमने फेजर फॉर्म देख लिया था। अब आज हम बेसिकली आपको मैंने बता दिया कि रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है, आपका टाइम डोमेन क्या है, टाइम डोमेन को फेजर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम देख चुके हैं। अब नाउ अब हमें जो सर्किट एलिमेंट्स है, हम रेजिस्टेंस के साथ डील करते हैं, ठीक है, और इंडक्टर के साथ डील करते हैं, कैपेसिटर के साथ करते हैं, उसमें क्या चेंजेस आएगा फ्रिक्वेंसी डोमेन में, ठीक है, टाइम डोमेन का तो हम पढ़ चुके हैं, फ्रिक्वेंसी डोमेन में बेसिकली रेजिस्टेंस कैसा दिखेगा, कैपेसिटर चेंज होकर क्या हो जाएगा और इंडक्टर चेंज होकर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हम एक कंसिडर करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, देखो ये रहा, दिस इज माय टाइम डोमेन, दिस इज माय टाइम डोमेन, ओके, वी इज इक्वल टू आई आर, हम यही लिखते हैं। अब मुझे इस टाइम डोमेन को किसमें चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में या फिर फेजर डोमेन, ठीक है, तो देखो वी स्मॉल वी कैपिटल वी में बन गया, स्मॉल आई कैपिटल आई में बन गया, आर एज इट इज आर रह गया, और फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर ये लग गया, ठीक है, तो देखो कैसे हुआ, सपोज मैंने आई जो मैंने माना है, आई की वैल्यू है ये, आई इज इक्वल टू, ठीक है, अब आई हमारा डीसी नहीं है, आई हमारा एसी है, तो आई की वैल्यू आई एम कोई साइनसोइडल फॉर्म होगा, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव मैंने मान लिया है, ओके, नाउ वी क्या होगा, वी वोल्टेज विल बी आई इन टू आर, तो I into R, R से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी इक्वल टू R into I m cos omega t plus 5, इसका फेजर फॉर्म बना लेते हैं, फेजर फॉर्म कलेक्ट करोगे तो ये मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड एज इट इज आ गया, ओके, स्मॉल v कैपिटल v बन चुका है, ओमेगा टी प्लस 5, इसको एंगल कैसे लिखोगे, 5, ओमेगा टी तो हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसको हटा के रख सकते हैं हमने 5, ओके, ये था हमारा क्या था, v इज इक्वल टू R I m एंगल 5, और ये तो क्या हुआ वोल्टेज, करंट का फेजर लिखोगे तो क्या आएगा यहाँ से, करंट का फिगर लिखोगे तो आई आई एम एंगल फाइव, तो आपने देखा वोल्टेज का भी एंगल फाइव है, करंट का भी एंगल फाइव है, और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस के अंदर, रेजिस्टिव लोड के अंदर आपका वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं, तो वो यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है, तो वी इज इक्वल टू आई आर, तो जब भी आप अगर कन्वर्ट करते हो वोल्टेज टू सॉरी रेजिस्टेंस को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कोई चेंज ही नहीं आता, ठीक है, अगर इसको हम प्लॉट करें अपनी फ्रीक्वेंसी डोमेन पे फेजर डायग्राम में, जो वोल्टेज पहले वोल्टेज बना लेते करंट बना लेते हैं, करंट क्या है आई एंगल फाई, फाई हम कहां से लेते हैं, एक्स एक्सिस से, दिस वन सेकंड, एक्स एक्सिस से, ये रहा एक्स एक्सिस है मेरे पास, एक्स एक्सिस है ये वाला दिस वन, अब इससे हमको एंगल फाइव लेना, ये फाइव पॉजिटिव साइकिल, इस साइड एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं फाइव, ये एंगल क्या हुआ आई, ओके, अब वी एंगल फाइव प्लॉट करोगे तो वी भी इस तरफ ही होगा और एंगल फाइव, तो देखा आई और वी दोनों क्या है
दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? जीरो, 5 माइनस 5 जीरो, और ये हम जानते हैं रजिस्ट्री लॉ में फेज डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। ओके, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो टाइम डोमेन और फ्रिक्वेंसी डोमेन में ज्यादा चेंजेस नहीं आता, किसमें? रजिस्टर में, कोई डिफरेंस नहीं। नाउ नेक्स्ट इंडक्टर लेते हैं, दिस इज माई इंडक्टर, ये वोल्टेज है वी एल, और इसके अंदर वोल्टेज क्या लिखेंगे? वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये हम जानते हैं कि वोल्टेज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब इसको मुझे किसमें चेंज करना? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो आप जानते हो स्मॉल वी कैपिटल वी में आ चुका है, आई हमारा कैपिटल आई में जा चुका है, एल एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज, अब मुझे बताओ डी आई बाई डी टी ये क्या है? डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को आपको याद होगा आप क्या लिखते हो? जे ओमेगा, हम प्रूव कर चुके हैं जे ओमेगा, ठीक है, जे ओमेगा आ गया डिफरेंशिएशन की। अगर एल डी आई बाई डी टी को, ये एल डी आई बाई डी टी है, इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या आएगा? एल को एज इट इज एल आ गया, डी आई बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? जे ओमेगा मल्टीप्लाई में, और आई है, तो देखो ये आ गया, ठीक है। इसको प्रूव भी किया मैंने यहाँ पे, कैसे आया देखो, मैंने आई ले लिया, आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ले लिया, करंट मेरा साइनसोइडल है, ठीक है, कोसाइन के फॉर्म में। इसका मुझे वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज क्या होता है? वी आई डी आई बाई डी टी, यानी एल एज इट इज आ गया, इसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो आई एम तो बाहर आ गया, कोसाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, देखो ये माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ओमेगा टी अंदर है तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन करोगे, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओमेगा, ओमेगा बाहर आ गया ये रहा, ओके। अब बट मुझे कंपेयर करना है वोल्टेज और करंट को, कंपेयर करने के लिए तभी हो सकता है जब दोनों कोसाइन हो या दोनों साइन हो। ये साइन है, इस साइन को मुझे कोसाइन में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हो माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस 90, हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। तो इसमें प्लस 90 ऐड कर दूं, कॉस करके प्लस 90 ऐड कर दूं, ये इसके बराबर हो जाएगा। देखो प्लस 90 ऐड कर दिया, माइनस साइन आपका हट गया, तो अब ये क्या बन गया? ओमेगा एल एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 90, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे क्या है अब 5 प्लस 90, फेज डिफरेंस कितना आया? 90 डिग्री का। हम जानते हैं कि वोल्टेज और करंट में इंडक्टर में फेज डिफरेंस का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसको और अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ओमेगा एल आई एम तो एज इट इज आ जाएगा, एंगल कितना आएगा? 5 प्लस 90, ये 5 प्लस 90 लिख दिया मैंने एज इट इज। अब आप जानते हो जे, जे को मैं आपको बता चुका हूँ, जे को हम क्या लिख सकते हैं? 1 एंगल 90 डिग्री, ये जानते हो जे का मतलब एंगल कितना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और एंगल कितना है 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री। तो इसको ओमेगा एल आई एम एंगल 5 प्लस 90 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 प्लस 90 डिग्री को, एंगल 5 प्लस 90 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? एंगल 5 इंटू एंगल 90 डिग्री लिख सकता हूँ आराम से। आप जानते हो दोनों आपकी पावर की तरह ऐड होते हैं, 5 प्लस 90 हो जाएगा कंबाइन करोगे तो, ठीक है। तो एंगल 5 को मैंने रेडियस पुट कर दिया, एंगल 90 को क्या लिख दिया मैंने? जे, ओके जे। तो अब बस आपका जे, जे को एंगल 190 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया? जे। तो ये जे आ गया यहाँ पे, तो फाइनल वी की वैल्यू क्या आ गई? जे ओमेगा एल आई। तो इनडायरेक्टली ऐसे प्रूव कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, एक और आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। आप जानते हो कि ओम्स लॉ क्या कहता है? वी इज इक्वल टू आई जेड के फॉर्म में याद रखो, वी इज इक्वल टू आई जेड। जेड क्या हो सकता है? जेड मेरे को इम्पिडेंस, मैं आगे बताऊंगा व्हाट इज जेड। जेड इज एन इम्पिडेंस जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, सिर्फ रेजिस्टेंस होगा तो आप जेड बन जाएगा आर, सिर्फ इंडक्टेंस होगा तो जेड बन जाएगा एक्स एल। एक्स एल क्या है मेरा? रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर सिर्फ कैपेसिटेंस है तो जेड जेड बन जाएगा मेरा एक्स सी। एक्स सी मेरा क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अगर Z क्या है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, R प्लस XL का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर R प्लस XC का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तीनों का हो सकता है, या फिर XL और XC का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है Z। तो ये आप जानते हो V इज इक्वल टू आई जेड होता है। तो अब अगर रजिस्टिव लोड है तो Z की वैल्यू क्या हो गई? R। तो V इज इक्वल टू आई आर, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर इंडक्टिव लोड है, ठीक है, इंडक्टिव लोड है तो हम क्या करते हैं? V इज इक्वल टू आई जेड। तो हमेशा याद रखना इंडक्टिव लोड के अंदर Z की वैल्यू होती है जे ओमेगा एल। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात कर रहा हूँ ना, फेजर डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन। देख लो आई Z की वैल्यू क्या होगी? जे ओमेगा एल इंटू आई, जे ओमेगा एल इंटू आई। ये आपको सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक
ठीक है। नाउ इसका फेजर कौन, भाई मुझे पता है दोनों में वोल्टेज और करंट के अंदर फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री है, किसमें, इंडक्टर के अंदर। बट कौन किसे लीड कर रहा है, कौन किसे लैग कर रहा है, देखते हैं। देखो सबसे पहले एंगल यहाँ पे आई को प्लॉट कर लेते हैं। आई क्या है, आई एंगल फाई है, आई एंगल फाई प्लॉट कर लिया। देखो ये आई ले लिया मैंने, एंगल फाई प्लॉट कर दिया यहाँ से, ये वाली लाइन से, रियल एक्सिस से। दूसरा इसमें क्या आया, वी एंगल, ये बन गया आपका V, क्या बन गया, फाइव प्लस 90, यानी फाइव प्लस 90। तो V कहाँ बनाया मैंने, यहाँ बनाया, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब कौन सा, अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं हमेशा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव के लिए, तो आगे कौन है, V आगे है, किससे, I से। तो वोल्टेज इज लीडिंग करंट इन इंडक्टर, या फिर मैं कह सकता हूं करंट लैग करता है वोल्टेज को, किसके अंदर, इंडक्टर के केस में। ये पढ़ चुके हो आप पहले भी, है ना। ओके नाउ कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर हमने वोल्टेज ले ली, दिस इज माय कैपेसिटर, मैंने इनिशियल जो लिए वोल्टेज लिए, वी इज इक्वल टू ओमेगा, वी इज इक्वल टू वीएम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी इसका फेजर मैं बनाऊंगा तो क्या आएगा बताओ, वीएम एंगल फाइव। तो प्लॉट कर लेते हैं वीएम एंगल फाइव को, ये रहा वी एंगल फाइव, ये मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ करंट निकालना है, तो करंट के लिए आप क्या करते हो, करंट हमेशा हम जानते हैं कैपेसिटर में आई इक्वल टू सी डीवी बाई डीटी होता है, तो डिफरेंशिएट करो, फिर से वही सेम चलोगे। तो अब याद करने का तरीका सिंपल, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई जेड, या फिर आप यूं कर सकते हो आई इज इक्वल टू सी डीवी बाई डीटी होता है ना, या फिर आप यूं कर सकते हो वी इज इक्वल टू वन अपॉन सी इंटीग्रेशन आई डी टी, ये भी जानते हो, ये फॉर्मूला भी जानते हो। ओके तो अब वी इज इक्वल टू आई तो एज इट इज आ गया, और इंटीग्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, सी ऑलरेडी नीचे है ही, इंटीग्रेशन को आप क्या लिखते हो, वन अपॉन जे ओमेगा, तो वन अपॉन जे ओमेगा सी, याद चुका यहाँ पे। ओके तो बस आपको तीन चीजें याद रखनी है, वी इज इक्वल टू आई जेड हमेशा रहेगा, रेजिस्टेंस केस में आर आ गया, और इंडक्टर के केस में क्या होगा, जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल, और कैपेसिटेंस के केस के अंदर जेड क्या आ जाएगा, वन अपॉन जे ओमेगा सी, वन अपॉन जे ओमेगा सी, याद रखना है, ठीक है। आगे मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। ओके अब एंगल फिर से देखो, आई का एंगल अगर आप देखोगे वो आएगा यहां बनेगी, ये 90 प्लस 5, यानी कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है और इंडक्टर के अंदर इंडक्टर के अंदर करंट लैग करता है, कितने एंगल से, 90 डिग्री से, प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये समरी देखो, ये टाइम डोमेन है हमारे पास, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू एल डी बाई डी टी, आई इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी। ओके तो आप इसमें पुट कर सकते हो, देखो वी इज इक्वल टू आई आर में कोई दिक्कत नहीं, डी आई बाई डी टी की जगह वी इज इक्वल टू आई जेड होता है, तो आई जेड, जेड क्या हो गया, जे ओमेगा एल, वी इज इक्वल टू आई जेड वापिस होता है कैपेसिटर में, जेड की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन जे ओमेगा सी, तो देखो जे ओमेगा सी नीचे आ गया। ओके एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखो ये दे रखा है आपको, वोल्टेज दे रखी है, दिस इज अप्लाइड टू ए 0.1 हेनरी इंडक्टर। ओके ये वोल्टेज 0.1 हेनरी इंडक्टर के लिए अप्लाई कर रही है, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल एक इंडक्टर है 0.1 हेनरी है जिसकी वैल्यू, और एक वोल्टेज इनिशियल जो इनपुट वोल्टेज है वो वी है जिसकी वैल्यू है ये। फाइंड द स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट पूछा है इसने, तो सबसे पहले बात है इनको फेजर के फॉर्म में, आप जानते हो स्टेडी स्टेट करंट क्या आ जाएगा, इसके अंदर एक सिंपल है सीरीज सर्किट है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई जेड लिख सकता हूं मैं सिंपल, बस। तो मुझे वी की वैल्यू पता है, जेड की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो सबसे पहले बताओ वी की वैल्यू क्या होगी फेजर के फॉर्म में, अगर फेजर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना है इसका 12, एंगल, एंगल कितना है 45 डिग्री, तो 45 वी आपका आ चुका वी एल, यानी वी एल मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, या फिर वी सिंपल ले लो वो आ गया 12 एंगल 45 डिग्री। ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू देखो ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 60, गुड 60। चलो अब डिवाइडेड बाय जेड, जेड आप जानते हो सोचो ही मत, अगर एक इंडक्टर है तो जेड हमेशा क्या होता है, जे ओमेगा एल इन केस ऑफ इंडक्टर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ओमेगा की वैल्यू आप जानते हो 60 है, और एल की वैल्यू आप जानते हो कितनी है 0.1, तो जेड भी आ गया, तो देखो ये रहा यहाँ पे किया है मैंने,
ओके okay? अब जे को क्या लिख सकते हो आप, 60 × 0.1 क्या हो जाएगा, 6। जे को आप क्या लिखते हो, एंगल 90 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जे का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री लिख दिया, बस 12/6, तो ये 2 एंगल -45 डिग्री। ये कौन किस फॉर्म में आ गया, ये आपका पोलर फॉर्म में, ठीक है, या फिर फेजर फॉर्म में। मुझे इसको किसमें करना है, टाइम डोमेन, तो टाइम डोमेन भी सिंपल है, मैग्नीट्यूड एज इट इज 2 आ जाएगा। कॉस ले लो डायरेक्ट कॉस, और ओमेगा टी, ओमेगा टी मतलब 60 टी, 60 t - 45 m, बस सिंपल सा। ओके, बस आपको पता होना चाहिए कि टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कौन से टर्मिनोलॉजी किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंडक्टर को कैसे लिखते हैं, कैपेसिटर को कैसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं। ओके, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट, इंपेडेंस एंड एडमिटेंस, ये सिंपल है, ये आप देख चुके हो ऑलरेडी, मतलब जो हमने डीसी सर्किट के अंदर किया था ना, ये ध्यान रखना हमेशा, डीसी के अंदर हम फेजर डोमेन या फिर टाइम आपका पोलर फॉर्म नहीं निकालते, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम इसलिए चेंज कर रहे हैं आपके जो भी टर्म टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन या फेजर डोमेन में इसलिए चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो इनपुट सिग्नल है वो एसी है, वो बार बार चेंज कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है, तो टाइम डोमेन में उसको सॉल्व करना मुश्किल है। इससे अच्छा उसको हम किस में चेंज कर लें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। लाप्लास के अंदर भी हम यही करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब पढ़ेंगे तब हम सारे सर्किट को किस में चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ अब ये मैं आपको बता चुका हूं, इसको रट लो चाहे आप, है ना, वी इज इक्वल टू आई जेड। ओके, वी इज इक्वल टू आई जेड। नाउ वी इज इक्वल टू आई जेड है रेजिस्टेंस के सर। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, वी कैप रेजिस्टेंस के अंदर जेड की वैल्यू आर हो गई, इंडक्टेंस के अंदर जेड की वैल्यू क्या हो गई, जे ओमेगा एल, और कैपेसिटेंस के अंदर जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1/j ωc। देखो आर जे ओमेगा एल जेड, यहाँ पे 1/j ωc, ठीक है, बस ये याद रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जेड क्या है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और एसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, टाइम डोमेन है तो। ओके, नाउ जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी इज इक्वल टू जेड आई, ये आप जानते हो। अब हम, अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था डीसी, जब भी डीसी लगता है, या फिर मैं कह रहा हूँ डीसी के केस के अंदर टी इज इक्वल टू जीरो पे, है ना, जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू जीरो होती है, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। तो देखो व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, डीसी मेरा जो सोर्स है वो डीसी है। देखो जेड एल, जेड एल क्या होता है, जे ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो जेड इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की वैल्यू या रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। जीरो का मतलब बेसिकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस किस वायर का नहीं होता, शॉर्ट सर्किट का। तो हम जानते हैं स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट, तो ये प्रूव भी हो रहा है यहाँ पे। और कैपेसिटर कैसे बिहेव करता था डीसी के लिए, स्टेडी स्टेट पे ओपन सर्किट, तो देख लो ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पुट करो यहाँ पे, जेड की वैल्यू क्या होती है कैपेसिटेंस के केस में, 1/j ωc, तो जे ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट करो, तो 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रेजिस्टेंस का मतलब ओपन सर्किट, तो ये प्रूव भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक्ट। और दूसरा, अब नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत ज्यादा हो जाए, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी, जब इनफाइनाइट हो जाए तो हायर फ्रीक्वेंसीज हो गई, तो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए जेड एल क्या होता है, जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो बेसिकली इंडक्टर क्या हो जाएगा, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए ओपन सर्किट, कैपेसिटर नीचे होता है ओमेगा, तो 1/∞ कितना होगा, जीरो। तो इसको मैंने यहाँ पे डिनोट किया, देखो पहले तो ये देख लो, ये टेबल याद रखना, इम्पिडेंस आर है तो जेड इजिकल टू आर हो जाएगा, एल है तो जे ओमेगा एल, सी है तो 1/j ωc, इम्पिडेंस। एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस इम्पिडेंस का जस्ट उल्टा होता है, ओके, एडमिटेंस जस्ट इम्पिडेंस का उल्टा होता है। अब इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस के अंदर डिफरेंस क्या है, ये ध्यान रखना, इम्पिडेंस बेसिकली क्या है, पोलर फॉर्म के अंदर है, और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, फ्रीक्वेंसी के अंदर है ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी है इम्पिडेंस। और हम नॉर्मल इम्पिडेंस किस केस में लेते हैं, एसी केस के अंदर। नाउ
ये क्या हो जाएगा, वाई वन अपॉन आर, वाई वन अपॉन जे ओमेगा एल, वाई इज इक्वल टू जे ओमेगा सी एडमिटेंस। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका इंपेडेंस का यूनिट ओम्स होता है और इसका सेमन या फिर मो, ओम इनवर्स। नाउ ये देखो, ये देखा मैंने जब इंडक्टर डीसी के लिए कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट, और एसी के लिए, एसी में भी कहां पे हाई फ्रीक्वेंसी बहुत इनफाइनाइट, उसके लिए कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट, ये हम प्रूफ भी कर चुके हैं, ठीक है। और कैपेसिटर, कैपेसिटर आपके डीसी के लिए ओपन सर्किट और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए शॉर्ट सर्किट, ये प्रूव कर चुके हैं। और रेजिस्टेंस के साथ कोई फर्क नहीं होता, चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, एज इट इज रहता है, दैट डजंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जेड, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो Z इज इक्वल टू आर हो गया, Z इज इक्वल टू इंडक्टर है तो जे ओमेगा एल हो गया, और Z अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो वन अपॉन जे ओमेगा सी हो गया, ओके। बट Z कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्वांटिटी, जैसे मैंने बता दिया कि एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है और इंडक्टर भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया और ये मेरा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को मैं रिएक्टिव पार्ट में एक्सेल करता हूँ, ठीक है। दिस इज माई इमेजिनरी पार्ट, हमेशा याद रखना इंडक्टर और कैपेसिटर हमेशा इमेजिनरी पार्ट है। देखो यहाँ से Z को मैं, अगर कॉम्बिनेशन है तो Z को मैं लिख सकता हूँ R प्लस माइनस जे एक्स, प्लस माइनस जे एक्स, प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा मैं आपको बताऊंगा। नाउ वेयर R इज माई रियल पार्ट एंड X इज माई इमेजिनरी पार्ट। देखो प्लस जे हमेशा रिप्रेजेंट करता है इंडक्टेंस, जब भी एक इंडक्टर होगा तो हमेशा प्लस जे एक्स आएगा, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू होगी ओमेगा एल, ओके। याद करो इंपेडेंस को हम क्या लिख सकते थे, जैसे अगर यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हो, ये जेड वन है और ये जेड टू है, तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन दोनों की इंपेडेंस की वैल्यू की नेट क्या होगी, जेड वन प्लस जेड टू, ठीक है। अब जेड वन की वैल्यू कितनी है आर, प्लस Z2 की वैल्यू कितनी है, अगर ये L है तो इसकी वैल्यू आप जानते हो J ओमेगा L, ओके। तो देखो क्वांटिटी क्या बन गई, R प्लस J ओमेगा L, तो ओमेगा L मेरा क्या है X, देखो यहाँ, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका यहाँ पे कैपेसिटेंस होता, यू ना होके, लेट मी शो यू, ये होता, ये रेजिस्टेंस और दिस इज माय कैपेसिटेंस, ये मेरा आर है और दिस इज माय, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन जे ओमेगा सी, ओके। ये जेड वन, ये जेड टू, तो फिर से दोनों सीरीज में है तो जेड वन प्लस जेड टू कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आर प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी। बट मुझे को इसको किसको किस फॉर्म में लाना है, आर प्लस जे एक्स के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो ये जे है तो इसको मैं एक चीज कर रहा हूँ, जे को ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जे से, तो मुझे बताओ जे ऊपर आ गया, जे इंटू जे, जे इंटू जे क्या होता है, जे स्क्वायर, और जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो अब ये क्या बन जाएगा, आर माइनस जे, आर माइनस जे एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, वन अपॉन ओमेगा सी, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। और एक्स बेसिक में, एक्स के फॉर्म में हमारा जे नहीं आता, बट जेड के फॉर्म में जे आता है, तो कैसे भी लिख सकते हो आप क्वांटिटी को, ठीक है। तो माइनस जे हमेशा इज एसोसिएटेड विद कैपेसिटेंस, तो आर प्लस जे एक्स है, इसका मतलब आपका इंडक्टिव और लैगिंग है, और माइनस जे एक्स का है मतलब कैपेसिटिव या लीडिंग है, आप जानते हो करंट हमेशा कैपेसिटर में लीड करता है इसलिए, ओके। अब इसको हम पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आपका किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर है, पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, जेड इंटू जेड एंगल थीटा, जेड की वैल्यू अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स बाई आर प्लस माइनस एक्स बाई आर, आपकी मर्जी, ओके। और आर फिर से अगर आपको ये दे रखा है और इससे आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म निकालना है तो वो सेम है, जेड जेड कॉस थीटा आर की वैल्यू, और साइन थीटा जेड इंटू साइन थीटा मेरा एक्स हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ओके। तो ये समझ में आ गया इंपेडेंस के केस में। अब एडमिटेंस, एडमिटेंस आप जानते हो कि क्या होता है, y इज इक्वल टू वन अपॉन z, उल्टा होता है इंपेडेंस का, जस्ट उल्टा एडमिटेंस होता है। आप जानते हो r, r का जस्ट उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस,
आर जी की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन आर, ये आप जानते हो, बट यहाँ पे हम फेजर के फॉर्म में बताना चाहते हैं y इज इक्वल टू वन अपॉन जेड इज इक्वल टू आई अपॉन बी। जैसे हमने z को लिखा था r प्लस जे एक्स लिखा था, ऐसे ही मैंने y एडमिटेंस को लिखा g प्लस जे बी। r क्या था मेरा, रजिस्टिव पार्ट, ये था मेरा रिएक्टिव पार्ट। ओके अगर इंडक्टर था तो इंडक्टिव रिएक्टेंस था, और कैपेसिटिव था तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस था। यहाँ पे जी और बी क्या है, जी इज माई कॉल कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कहते हैं इसको, और बी को हम क्या कहते हैं, ससेप्टेंस। ठीक है, जी इज माई कंडक्टेंस, बी इज माई ससेप्टेंस। ठीक है, बट जी की वैल्यू यहाँ पे वन अपॉन आर नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब मुझे बताओ वाई को हमने ये लिखा था, वाई क्या था, वन अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू हमने क्या रखी थी, आर प्लस जी एक्स। देखो ये नहीं, तो जी जे बी की वैल्यू है वन अपॉन आर प्लस जे एक्स। इसको अगर आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है तो आप एक मेथड ये होता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसको आप ऐसे कर सकते हो, आर माइनस जे एक्स इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। देखो यही किया मैंने, आर माइनस जे एक्स, आर माइनस जे एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर ऑफ दिस दिस दिस। तो अब जी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, जी मेरा रियल पार्ट है, जी की रियल पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये ध्यान रखने वाली चीज है, जी इज नॉट इक्वल टू वन अपॉन आर। जी इज इक्वल टू वन अपॉन आर तभी हो सकता है जब मेरा जो सर्किट है वो प्योर रजिस्टिव हो। कैसे, जब प्योर रजिस्टिव हो तो इंडक्टिव और रिएक्टेंस वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया, तो वन अपॉन आर आ गया, जी इज इक्वल टू वन अपॉन आर आ गया। ओके नाउ एग्जाम्पल कर लेते हैं, सिंपल। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, फाइंड वी टी एंड आई टी इन द सर्किट। अगर ये डीसी वाला सर्किट होता तो सिंपल आप क्या कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस होता, ये रेजिस्टेंस होता, आई निकाल लेते वी अपॉन जेड से। तो बस कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले जो भी दे रखा है टाइम डोमेन को उसको किस में चेंज करना, फ्रीक्वेंसी डोमेन या फेजर डोमेन। तो सबसे पहले इसको चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे तो सबसे पहले मुझे बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है कॉस ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू है 4। ओके अब इसको फेजर में चेंज करोगे तो क्या आएगा, टेन एंगल जीरो डिग्री, क्योंकि 40 प्लस जीरो, फाइव कुछ है ही नहीं। तो देखो इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, वी एस टेन एंगल जीरो डिग्री, ओमेगा टी के प्लस में कुछ भी नहीं है इसलिए जीरो डिग्री एंगल। नाउ ये जेड वन, इसको मैंने जेड वन कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया, जेड टू कह दिया। तो जेड वन कितना हो गया मेरा, 5। ओके और रेजिस्टेंस का कोई एंगल वगैरह नहीं होता, वो फेज में ही होता है, तो 5 एंगल जीरो भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जेड टू की वैल्यू क्या होगी, जेड टू क्या है, कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन जे ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये रही, कितनी है, 4। तो जे 4 इंटू सी 0.1। तो देखो अब ये दोनों जेड वन और जेड टू किस में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है सीरीज में। तो सीरीज में इम्पिडेंस क्या होता है आपका, जैसे रेजिस्टेंस ऐड होता है वैसे इम्पिडेंस ऐड हो जाएगा, जेड वन प्लस जेड टू। तो देखो जेड नेट जेड आ जाएगा जेड वन प्लस जेड टू, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। देखो ये आ गया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब ये जे है, इस सोच रहे हो जे को यार मेरे को ऊपर लाना है, तो आप जानते हो जे को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो नीचे भी मल्टीप्लाई करो, जे जे इंटू जे क्या होता है, जे स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस आ गया दिस। तो इस फॉर्म में आ गया ये, इस ये कौन सा रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को किसमें चेंज कर लो, पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म आपका आर एंगल फाइव कुछ भी, ठीक है, जेड एंगल फाइव भी कर सकते हो। जेड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2.5 कॉस स्क्वायर, और फाइव क्या होगा, 10 इनवर्स दिस और दिस। तो आई मुझे क्या निकालना था, आई निकालना था, सबसे पहले आई निकाल लेते हैं। आई क्या होगा, इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इंपिडेंस। तो I इज इक्वल टू V अपॉन जेड, V हम निकाल चुके हैं 10 एंगल जीरो, ये दिस। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो इसको आप किस में चेंज कर सकते हो, वही ऊपर इमेजिनरी इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, या फिर इसको किस में चेंज कर दो, पोलर फॉर्म में, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये फाइनली आपका आंसर इसमें आ जाएगा आई। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए था, वी चाहिए था। वी क्या होगा, वी विल बी आई इंटू दिस इंपिडेंस, जो आई करंट फ्लो कर रहा होगा, इंटू जेड टू। देखो वी विल बी आई इंटू जेड टू या जेड सी। ठीक है, आई हम जानते हैं जेड सी की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन जी ओमेगा सी, बस लिख दिया सिंपल।
तो ये आपका किस में आ गया आंसर, ये दोनों किस में है, पोलर में है अभी, या फिर मैं कहूँ फेजर डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में, बट आपको इसने पूछा वीटी और आईटी पूछा है, मतलब टाइम डोमेन, तो बस टाइम डोमेन में आप कन्वर्ट करना जानते हो। कैसे करोगे, आई को पहले, आई को कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.789 को एज इट इज लिख दिया, और आप जानते हो इस एंगल को हम कोसाइन में लिखते हैं, कॉस, और ओमेगा टी, ओमेगा टी देखो हमने कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा टी क्या है यहाँ पे 4t, ओमेगा की वैल्यू 4 है, तो 4t, बट एंगल है यहाँ पे कितना है +26, तो +26 लिख दिया। सिमिलरली वोल्टेज ओमेगा टी 4.47, 4t -6.3, दिस इज माई, और अब देख रहे हो कि हम जानते हैं कैपेसिटर के केस के अंदर आपका करंट लीड करता है, तो करंट लीड कर रहा है, देखो +26 है, ये -63 है। ओके अगर आपको कोई पूछे इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कैसा है, तो निकाल सकते हो सिंपल, आप एक ऐसा बना लो ग्राफ, सबसे पहले एक एक को रेफरेंस मान लो, इसको रेफरेंस माना, ये 0 डिग्री है मेरा, ये कितना है +26.57 डिग्री, तो +26.57 डिग्री काम रहेगा, ये रहा दिस इज 26.57 डिग्री, दिस इज माई आई ऑफ टी। वी ऑफ टी का बनेगा -63, मतलब इस 0 डिग्री से पीछे, ये -63 हो गया, और ये मेरा वी ऑफ टी है। अब इन दोनों के ये -63 है, मतलब ये 63.43 है, ये वाला एंगल, फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों को ऐड करो 90 डिग्री आ रहा है एज एक्सपेक्टेड। ओके नाउ किरचॉफ लॉज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट बताऊंगा। अब आप सोच रहे हो कि भाई यार केसीएल और केवीएल लगाएंगे तो उनको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे करें, कुछ नहीं, आप सिंपल ध्यान रखो, प्रूफ की आपकी जरूरत नहीं, इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ जैसे हमने फ्रीक्वेंसी और आपके आएगा भी नहीं। आप तो केवीएल लगाओ, केवीएल अगर आप लगा दोगे क्लोज लूप, व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एक क्लोज लूप के अंदर समेशन ऑफ वोल्टेज क्या होती है, जीरो, तो फेजर के अंदर भी, पोलर के अंदर भी, या फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर भी V1 प्लस V2 ये भी क्या होंगी, आपकी समेशन जीरो ही होंगी। देखो ये फाइनली दिस कैपिटल V1 V2 दिस इज इक्वल टू जीरो, ये होल्ड करता है, ठीक है, होल्ड फॉर फेजर आल्सो। सिमिलरली करंट केसीएल क्या करता है, एक पर्टिकुलर नोड पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, सो दैट विल बी इक्वल टू, या फिर समेशन ऑफ एट करंट एट ए पर्टिकुलर नोड इज जीरो, तो देखो वो भी प्रूव यहाँ पे हो रहा है, यानी हम जो केवीएल और केसीएल लगाते थे नॉर्मल टाइम डोमेन में, वही फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी एप्लीकेबल है। ओके नाउ इम्पीडेंस की कॉम्बिनेशन, ये भी आप पढ़ चुके हैं, इम्पीडेंस का कॉम्बिनेशन का मतलब ये है, अगर इम्पीडेंस Z1 Z2 जिस सीरीज में लगे तो उनका नेट इम्पीडेंस क्या होगा, एडिशन। ओके जेड इक्विवेलेंट निकालना है, अगर जेड इक्विवेलेंट निकालना था वहां पे आर इक्विवेलेंट निकालना था, तो आप क्या करते थे इसका वो निकाल देते, तो यहाँ पे आपको सारी चीजों को किसमें चेंज करना है, Z1 Z2 Z1 Z1 क्या है मेरा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस दे रखा है और एक इंडक्टर दे रखा है और यहाँ पे एक कैपेसिटेंस दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको Z1 मान लो, इसको Z2 मान लो और इंडक्टर को Z3 मान लो, इनको कन्वर्ट कर लो बस। अब जानते हो Z2 और Z3 किसमें है, पैरेलल में, तो पैरेलल का आप जानते हो Z2 इंटू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, ये कॉम्बिनेशन किसमें होगा, पैरेलल में। फिर नेट Z1 क्या आ गया इसके सीरीज में प्लस Z1, तो सेम जो वहां पे एप्लीकेबल थे हमारे रेजिस्टेंस के, वो इंपीडेंस में भी लागू है, बट शर्त ये आपकी है कि Z1 Z2 मेरे क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन इंपीडेंसेस हैं। ओके सिमिलरली नाउ ये वोल्टेज डिविजन रूल भी एप्लीकेबल है यहाँ पे। ओके वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता था, V2 विल बी इक्वल टू जिस इंपीडेंस के अक्रॉस निकाल रहे हैं Z2 इनटू अप्लाइड वोल्टेज V अपॉन Z1 प्लस Z2। ओके पोलर फॉर्म के अंदर ये भी एप्लीकेबल है। पैरेलल अगर आपका सर्किट पैरेलल में होगा तो Z इक्विवेलेंट देखो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2, ये आप जानते हो R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे Z इक्विवेलेंट भी इक्वल होगा। या फिर जब भी पैरेलल सर्किट होगा तो हम Z की जगह हम क्या निकालते हैं, Y इक्विवेलेंट, बेसिकली क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एडिशन Y1 प्लस Y2 प्लस Yn ऐसे, क्योंकि वो Y क्या होता है, 1 अपॉन दिस होता है। नाउ करंट डिवीजन रूल वो भी एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। ओके I इज इक्वल टू I आपका नेट करंट है, यहाँ पे देखो
करंट मुझे इसमें अगर I1 निकालना है तो I1 विल बी टोटल सप्लाइड करंट I इनटू जिस में निकाल रहे हैं उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, इंपेडेंस लेते हैं Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। ओके तो ये हो गया, तो करंट डिवीजन प्रिंसिपल भी यहाँ पे लागू होता है। फिर हमने देखो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं डीसी सर्किट के अंदर, इसलिए यहाँ पे एसी सर्किट के अंदर डायरेक्ट डीसी सर्किट के अंदर हम रेजिस्टेंस वगैरह लेते थे, यहाँ पे एसी सर्किट के अंदर हम इंपेडेंस लेते हैं, ध्यान रखना। अब दूसरा हमने स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार पढ़ा था, याद होगा तो आपको, ये रहा यहाँ पे क्या थे आर वन आर टू आर थ्री ये थे, तो अब हम उनको चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं इंपेडेंस, और फॉर्मूला सेम है डेल्टा टू वाई कन्वर्जन और डेल्टा वाई टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू वाई कन्वर्जन। अगर याद होगा तो मैंने ट्रिक बताई थी, अगर आपको ये जेड वन ये मेरा कौन से कनेक्शन है स्टार और ये बाहर वाले डेल्टा, अगर डेल्टा के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं जेड ए जेड बी और ये तीनों दे रखे हैं मुझे जेड वन निकालना, जेड वन विल बी इक्वल टू जेड ए जेड, ये दोनों ब्रांचेस हैं पास वाले उनको मल्टीप्लीकेशन जेड बी इंटू जेड सी अपॉन टोटल इंपेडेंस जेड ए जेड बी। सिमिलरली अगर आपके पास ये स्टार दे रखा है और डेल्टा निकालना है, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल जेड ए निकालना है ये निकालना है, उसके लिए क्या करते थे जो भी इनपुट में दे रखा है स्टार वाले कनेक्शन दे रखे हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते थे जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड वन डिवाइडेड बाई इसके अपोजिट जेड ए के अपोजिट वाला कौन सा कनेक्टेड है जेड वन। तो ये सेम यहाँ पे फेजर डोमेन के अंदर फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। एक केस और है, अगर डेल्टा और वाई सर्किट आर बैलेंस, बैलेंस का मतलब ये होता है कि जेड सी की वैल्यू यानी ये भी जेड ए ये भी जेड ए और ये भी जेड ए यानी तीनों ब्रांचेस की वैल्यू क्या है सेम है, सिमिलरली स्टार के अंदर भी तीनों ब्रांचेस की वैल्यू क्या है सेम है, तब डायरेक्ट आप निकाल सकते हो ये वाला जेड डेल्टा इज इक्वल टू जेड डेल्टा मतलब एक जेड ए इज इक्वल टू जेड बी इज इक्वल टू जेड सी, सिमिलरली जेड वाई का मतलब जेड वन इज इक्वल टू जेड टू इज इक्वल टू जेड थ्री स्टार के ब्रांचेस के इंपेडेंस will be equal to three times of ZY, मतलब जो Z अगर तीनों branches के impedance सेम हैं तो जो डेल्टा का impedance आएगा वो तीन गुना आएगा किसके स्टार के, या फिर उल्टा स्टार का जो impedance है that will be one third of Z delta। okay, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं डीसी सर्किट के अंदर, बस R को मैंने चेंज कर दिया impedance से, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट, देखो इसका क्या निकालना है मुझे इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकालना है जेड इन, अगर वो कैपेसिटर भी दे रखा है रेजिस्टेंस भी दे रखा है इंडक्टर भी दे रखा है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सभी को जेड के फॉर्म में लिख लो, इसको मैंने क्या मान लिया जेड वन, ओके ये दोनों सीरीज में इंडक्टर और ये इसको सपोज मैंने मान लिया जेड थ्री, और इस थ्री ओम 10 माइक्रोफेरेड किसमें सीरीज में, इसको क्या मान लिया मैंने Z2, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू क्या होगी, याद देखो Z1 की वैल्यू कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन j ओमेगा c, ओमेगा कहां से आएगा ओमेगा क्वेश्चन में दे रखा है, ओमेगा की वैल्यू 15 रेडियन पर सेकंड दे रखी है, तो बस तो Z1 की वैल्यू कितनी आई माइनस j 10। सिमिलरली Z2 निकालना है, Z2 क्या होगा 3 प्लस दिस इंपेडेंस, तो ये इंपेडेंस का वैल्यू क्या होती है 3, तो एज इट इज रेजिस्टेंस का तो कुछ होता ही नहीं है, तो 3 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा c आ गया। सिमिलरली इसका क्या आएगा 8 प्लस जे ओमेगा एल, ये रहा 8 प्लस जे ओमेगा एल, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे बताओ Z2 और Z3 किस में है पैरेलल में, तो बेसिकली नेट इंपेडेंस की वैल्यू कितनी आएगी Z1 प्लस ब्रैकेट में Z2 पैरेलल टू Z3, ये देखो बस, ओके okay? आपको सॉल्व करना आना चाहिए, प्रैक्टिस से आएगा ये, देखो ये एज इट इज सॉल्व हो जाएगा, और वन अपॉन जे जे ऊपर के लिए जाने के लिए क्या हो जाएगा बस माइनस साइन लगा दो, ठीक है फिर से इसको भी माइनस साइन, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ओके okay? अब इनको सॉल्व कर लो, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना आता है आपको, ये आ गया फाइनली जेड इनपुट की वैल्यू ये आ गई रेक्टेंगुलर फॉर्म, ओके तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अब देखो डिटरमाइन वी नॉट टी इन द सर्किट, वी नॉट टी क्या है वोल्टेज अक्रॉस दिस 5 हेनरी इंडक्टर, ओके तो देखो आराम से तरीका ये है, आप सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में करो, जब भी टाइम डोमेन आएगा ना और ऐसा आया तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर ही लो, तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं। देखो ये आपका टाइम डोमेन है
और ये मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन है। तो सबसे पहले इसको करोगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड कितना है 20, एंगल कितना है -15 डिग्री, तो -15 डिग्री लिख दिया मैंने। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4, ओमेगा टी मतलब 4 मेरा, तो देखो 20 एंगल -15 लिख दिया। 60 ओम और 60 ओम, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन में कोई फर्क होता ही नहीं। नाउ ये क्या है आपका इम्पिडेंस, तो इसको आप सिंपल, ये अभी मिली फराइड में, इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, ओम में। हमेशा याद रखना इम्पिडेंस सबका वैल्यू हमेशा ओम में होती है। अब ये फेराइड में, इसको ओम का मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दो, तो 10 माइक्रोफेराइड को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे लिखोगे, 1/j ωc -j25 ओम, -j25 ओम बन गया ये वाला इम्पिडेंस। सिमिलरली ये क्या है, j ωl j20, बस यहाँ से ओके। नाउ इसको मैंने z1 लिख लिया, इसको मैंने z2 लिख लिया, और इसको मैंने क्या लिख लिया, z3 लिख लिया। अब मुझे बताओ z2 और z3 किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा सिंपल। z2 का देखो -j25, अब ये ओम में आ गया तो ठीक है, z2 की वैल्यू कितनी होगी -j25 पैरेलल टू j20, सॉल्व कर लो j100 आ चुका आपका ओके। तो ये j100 आ गया और 60 ओम है। मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करनी थी किसके अक्रॉस, j20, तो वही वोल्टेज किसके अक्रॉस होगी, -j25, तो या फिर मैं कह सकता हूँ वही इम्पिडेंस होगी z2 और z3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन का ओके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिकली इसने कह दिया z2 इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन कह दिया। तो v0 वोल्टेज डिवीजन रूल से क्या कहलाएगी, इनपुट वोल्टेज कितनी है 20 एंगल -50 Vs इनटू वोल्टेज किसके अक्रॉस निकालनी है z2 z2 upon z1 plus z2, बस। तो आंसर किसमें आ गया, v0। बट इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो v0t टाइम डोमेन, तो ये आपको किसमें है फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो बस फिर से मैग्नीट्यूड एज इट इज आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, ओमेगा टी, ओमेगा हम जानते हैं कितना है 40 और एंगल कितना है +15 डिग्री, +15 डिग्री आ चुका है सिंपल ओके। एसी और डीसी में कोई फर्क नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर को किस कैसे रूप में लिखना है और इंडक्टर को कैसे लिखना है ठीक है। एक क्लास एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इसमें पूछा फाइंड द करंट इन द सर्किट ऑफ फिगर दिस, करंट कौन सा ये। तो सबसे बेस्ट ये है कि सबसे पहले इसको मैं चेंज किस में कर दूं, यहाँ पे एक नेट इम्पिडेंस लगा दूं जेड, यानी इस पूरे सर्किट को मैं चेंज कर दूं। लेकिन इसको डायरेक्ट आप देखोगे तो चेंज नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्म ले सकते हो। कैसे, ये कौन सा है ए टू बी, बी टू सी, और एक ये ब्रांच, ये क्या आ रही है, एक डेल्टा आ रही है, देखो ऐसे तो मैं बनाऊ तो वन सेकेंड, ये वाले, ये क्या है मेरा बी, और ये टर्मिनल मेरा सी, और ये वाला मेरा ए। Now, ये दिख रहा है आपको, अगर इसको मैं चेंज कर दूं किसमें, डेल्टा है, तो इसको किसमें चेंज कर दूं, स्टार में, तो सॉल्व हो जाएगा, यानी ये वाली ये हट जाएगी ठीक है। ए बी सी की जगह मैं ये कन्वर्ट, ये लिख दूं ओके। देखो ये सर्किट इसमें चेंज हो जाएगा, ये तो आपका रेजिस्टेंस डीसी सर्किट के सवाल है सिंपल। बट इम्पिडेंस, अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू जेड, इसकी जेड ए बी की वैल्यू कितनी है, जे 4 ओम दे रखी, इसने ऑलरेडी दे रखी है, तो हम जानते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही किया हुआ है क्योंकि देखो एंगल भी 50 एंगल 0 फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारा पूरा सर्किट। जेड बी सी की वैल्यू कितनी है 8 ओम, जेड सी की वैल्यू कितनी है 2 - j4 ओके, क्योंकि सीरीज में इसलिए ऐड हो जाएंगे 2 - j4। अब मुझे जेड ए एन निकालना है, यानी ये वाली ब्रांच निकालनी है, ये जो आती है कौन सी, ये वाली, तो आप जानते हो कैसे होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, j4 into 2 - j4 जरा डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस क्या होगा, j4 + 2 - j4 + 8 जरा जेड एन आ चुका, ऐसे ही जेड बी एन आ जाएगा इधर से ठीक है, और जेड सी एन आ जाएगा नीचे वाला। तो बस ये सर्किट को मैंने रीड्रॉ किया है, कहाँ पे रीड्रॉ किया है, ये यहाँ पे जेड एन जेड सी एन जेड बी एन, इससे हमारा सर्किट सिंपल हो गया।
अब मुझे बताओ जेड सी एन और ये किसमें आ गए, सीरीज में, इन दोनों को ऐड कर दो। सिमिलरली जेड बी एन और माइनस जे थ्री किसमें आ गए, सीरीज में, इन दोनों को ऐड कर दो। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसमें आ गया, पैरेलल में, फिर सॉल्व हो जाएगा, फिर एक इम्पिडेंस बन जाएगा, वो इम्पिडेंस प्लस दिस इम्पिडेंस प्लस दिस विल बी फाइनल मेरा क्या आ जाएगा, जेड। और फिर आई निकालना है, आई क्या होगा, दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल नेट इम्पिडेंस जेड, वो आ जाएगा ये। यहाँ पे देखो सॉल्व किया सिंपल, जेड इम्पिडेंस क्या होगा 12 प्लस जेड ए एन प्लस इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपना ये साइनसोइडल और फेजर्स का यूनिट खत्म होता है, फेजर रिलेशनशिप, ठीक है। थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का हमारा लगभग 10% पार्ट खत्म हो चुका है यहाँ पे, एसी बेसिक्स ऑफ एसी के अंदर, ठीक है। तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।